आप सभी के डिमांड पर आज मैं आपके लिए आलू की कचौड़ी बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। आप देख सकते हो कितनी खस्ता ये बनी है और बहुत ही टेस्टी है। इसकी फिलिंग्स भी मैंने बहुत ही अलग रखी है। आप सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं हमेशा आपके लिए नई रेसिपी लेके आती हूँ। वीडियो पसंद आती है तो 200 लाइक्स तो बनता है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ मिक्सर ग्राइंडर लिया है, तो एक हम मसाला तैयार करेंगे पहले आलू के लिए। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच धनिया लिया है, आप देख सकते हो ये साबुत धनिया हमने लिया है। घर के मसालों की बात ही क्या है, तो ये मसाले हम यूज़ कर रहे हैं। तो साथ में एक चम्मच हम जीरा ले लेते हैं और साथ में एक चम्मच सौंफ और साथ में हमने यहाँ पे कसूरी मेथी लिया है, ये मैंने हाफ टी स्पून लिया है यानी आधी चम्मच। और साथ में यहाँ 7 से 8 गोल मिर्च हमने लिया है, उसे भी डाल देते हैं। और साथ में यहाँ पे हमने 2 लाल मिर्ची ली है सूखी हुई, वो भी डाल देते हैं। ये तीखी वाली मिर्ची है, तो आपके हिसाब से आप जितना तीखा खाते हो उसमें डाल सकते हो, मैं तीखा कम खाना पसंद करती हूँ। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं बिल्कुल बारीक। दूसरी तरफ हम आलू की कचौड़ी के लिए आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। तो 1 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया है, साथ में 1 कप और ले लेंगे यानी टोटल हम 2 कप यहाँ पे मैदा यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो इसे आटे में भी बना सकते हो। अब यहाँ पे हमने, अब देख सकते हो, 1 पिंच बेकिंग सोडा यूज़ किया है, इसे डाल देते हैं। और साथ में 1/4 अजवाइन लिया है, उसे भी डाल देते हैं। और साथ में यहाँ पे हम नमक डालते हैं, नमक भी आप देख सकते हो 1/4 हमने यूज़ किया है, तो उसे हम डाल देते हैं। और यहाँ पे हम मोयन के लिए घी यूज़ करेंगे। जी हाँ, ऑयल नहीं यूज़ करना है, कोई भी तेल, घी यूज़ करें, बहुत ही खस्ता बनेगी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा घी डाल के। तो यहाँ अभी हमने लगभग 3 चम्मच घी डाला है, तो इसे पहले हम मिक्स करके देख लेते हैं पहले कि मोयन सही है कि नहीं है, परफेक्ट। ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ही ऑयली हो जाती है, ये अच्छी तरह से मिक्स कर दे। आप देख सकते हो ये मुट्ठी बांध के मैं देख रही हूँ, इसे बांध करके बंद रहा है कि नहीं। अगर ये बनता नहीं है और तुरंत बिखर जाता है तो इसमें अभी और मोयन डलेगा, तो इसमें हम 2 चम्मच और मोयन डाल देते हैं यानी घी डाल देते हैं। और इसे फिर से मिक्स करेंगे हम, मैंने दोनों हाथ ही इसे यूज़ किया है। इसे मिक्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, तो आप इसे मिक्स बहुत ही अच्छे से करें। जितनी अच्छे से ये मिक्स होगी उतना ही आपकी कचौड़ियाँ खस्ता बनेंगी। इक्वली इसे इस तरह से मसल मसल कर मिक्स करें और फिर से मुट्ठी बांध कर देखें। अगर ये अच्छे से मुट्ठी बन जा रही है हमारी मैदा की, तो समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट है। देखिए इसे बांध कर देखते हैं हम, ये देखिए बहुत अच्छे से बंध रही है, तो परफेक्ट है ये हमारी कचौड़ी के लिए। तो फिर से हम इसे मिक्स करके इसका डो तैयार करेंगे। पानी की सहायता से इसका हम डो तैयार करेंगे और इसका डो हमें गीला तैयार करना है, टाइट डो नहीं तैयार करना है। मसल मसल कर अच्छे से इस आटे को मार मार कर इसे हम डो तैयार करेंगे। जितने अच्छी तरह से इसे मसल के गूँथ के इसका हम डो तैयार करेंगे, उतनी अच्छी हमारी कचौड़ियाँ बनेंगी। तो ये देख सकते हो, और टाइट डो बिल्कुल नहीं तैयार करना है, ना रोटी का ना पूरी का, यानी आपको गीला तैयार करना है। तो आप देख सकते हो हम फिर से हम इसमें पानी डाल रहे हैं। इस प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी, ना ही इसमें कोई कट करूँगी, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखें, तो आप देख सकते हो कितना गीला अभी हमारा आटा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गीला। आपको मैं बिल्कुल बारीकी से दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे से मसलें और इसे डो तैयार करें। तो अब ये देखिए बहुत ही गीला है, तो अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है इसे। इस तरह से उठा उठा के इस तरह से गोल कर दें और इसे अब हम रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए। इसे कम से कम 15 मिनट के लिए इसे हमें ढक कर रेस्ट देना है। तब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने इतना गीला तैयार किया, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह से ये सेट हो जाएगा। देखिए हाथ में आटा लग रहा है,
तो बाद में दिखाती हूँ कि बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। हम आलू की स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है, मस्टर्ड ऑयल, तो 2 बड़े चम्मच तेल डाला है, साथ में हींग डाल दिया है हमने 1/4, और साथ में एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, बड़े साइज़ का प्याज उस मैंने इस तरह से इसे काट लिया है, और इसे हम ट्रांसपेरेंट होने तक या हल्का कलर आने तक इसे हम भून लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया, हल्का सा ब्राउन भी हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। जी हाँ, बेसन, और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो कर दीजिएगा। तो हमने गैस का फ्लेम लो रखा है और 2 चम्मच बेसन डाला है। अब बोलोगे बेसन इसमें क्यों ऐड करेंगे, तो आप इस तरह से एक बार बना कर देखो। राजस्थान में प्याज की कचौड़ियाँ बनती हैं, उसमें बेसन डलता है, तो इसमें मैं आलू डालूंगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और जो हमने मसाला ग्राइंड किया था, आप देख सकते हो ग्राइंड हुआ लेकिन हल्का दरदरा ही है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, घर के मसाले की बात ही क्या। अब आप बोलोगे कि मसाले को पहले ही रोस्ट करके बनाना चाहिए तो और टेस्ट आता, तो इसमें मैं भून रही हूँ ना, इसमें अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। गैस का फ्लेम इस समय लो रखिएगा, नहीं तो बेसन और आपके मसाले जल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लाल मिर्ची भी डाल देते हैं, तीखे अनुसार आप लाल मिर्ची डालें, साथ में गरम मसाला डाल देते हैं 1/4। इसे फिर से मिक्स कर देते हैं, मसाले जल ना जाए इसलिए गैस का फ्लेम रोल रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो देखिए अच्छी तरह से ये भुन गया है। अब इसमें हमने 3 बड़े साइज़ का आलू लिया है, उबला हुआ आलू है, इसे अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर देते हैं इसमें। उसके बाद गैस का फ्लेम हम हाई करेंगे। अब यहाँ पे नमक भी ऐड कर देते हैं हम, गैस का फ्लेम हमने हाई कर दिया है ताकि आलू भी अच्छी तरह से कुक हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। नमक डालें स्वाद अनुसार, आटे में भी नमक है, ध्यान से। यहाँ मैंने आमचूर पाउडर लिया है 1/2 चम्मच, इसमें डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो डाल के मिक्स कर देते हैं। हमारे ये आलू का मिक्सचर बनकर तैयार है। धनिया की पत्ती इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई, है तो डालें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर से मिक्स कर देते हैं और गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और आलू को अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। चलिए अब हम आटा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने इतना गीला जो गूथा था, तो आप देख सकते हो ये हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना ही गीला आटा तैयार करना है। मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, आप देख सकते हो, मैं अच्छी तरह से इसको रोल कर रही हूँ, फिर से इसे मसल कर गूँथ ले इस तरह से, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट मैंने आटा गूँथा है। तो इसे फिर से रोल कर दें अच्छी तरह से, एक बार और गूँथ लें। अब इसकी हम लोई तोड़ लेते हैं कचौड़ियाँ के लिए। तो एक नींबू के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा, नींबू के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा हम यहाँ निकाल ले रहे हैं। अब इस तरह से एक हम यहाँ पे लोई ले लेते हैं और इस तरह से गोल करते हुए, इस तरह से आप देख सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कीजिएगा। इसे हाथों की सहायता से इसे फैलाना है, उंगलियों की सहायता से, तो इस तरह से फैलाते जाएं, हल्का सा चपटा कर दें इस तरह से, हल्का आगे की ओर इस तरह से पतला करें यहाँ पे, क्योंकि उस साइड से हमें इसे बंद करना है तो मोटा नहीं रखें। तो इतना बड़ा हमने कर दिया है। अगर आपका आटा सॉफ्ट रहेगा तो बहुत ही आसानी से इसकी कचौड़ियाँ बन जाएगी, और हार्ड रहेगा तो उसे बंद करने में दिक्कत आती है और फट भी जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने आलू के मिक्सचर को इस तरह से नींबू के साइज़ का हमने इसका गोला बना लिया है और इसके अंदर फिल करके इस तरह से हम बंद कर देंगे, इस तरह से ऊपर उठाते हुए इसे हम सील कर देंगे, आगे की ओर खींचे। बहुत ही मैं धीरे धीरे प्रोसेस दिखा रही हूँ कि जिन्हें नहीं आता वो भी देखें, और जो एक्स्ट्रा है उसे हमने निकाल दिया है, ये देखिए आगे की ओर खींचने के बाद एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा निकाल दिया और इस तरह से उंगली के साथ ऐसे इसे प्रेस कर दें
कहीं से भी कोई भी गांठ नहीं नज़र आनी चाहिए और बिल्कुल आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट गोल बन गया है। पहले गोल का शेप दे दें, उसके बाद आप देख सकते हो वीडियो में किस तरह से मैं दबा रही हूँ हथेलियों की सहायता से। इस तरह से बीच में दबाएं प्रेस करके, फिर उसके बाद इसे हम शेप दे देंगे चारों तरफ से। बहुत ही फुली फुली बनती है, ये वाला प्रोसेस आपको करना बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ से इस तरह से घुमाते हुए तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से, और आप देख सकते हो यहाँ से हल्का सा निकल गया है, तो आप देख सकते हो आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट है जिस कारण ये फिर से चिपक गया है और ये निकलेगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको सारी कचौड़ियाँ दिखाऊंगी चलते हुए, बिल्कुल नहीं निकलने वाली है। सॉफ्ट आटा इसलिए चिपक गया, अगर हार्ड रहता तो ये अच्छी तरह से नहीं चिपकता। तो बाकी की भी कचौड़ियाँ इसी तरह हम बना लेते हैं। आप फिर से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से हम फिल कर देंगे मिक्सर को, नींबू के साइज़ का लिया है और जो हमने आटा लिया था वो नींबू के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा लिया था, तो बहुत भरी भरी रहती हैं आलू, इसमें कहीं भी आपको खाली नहीं मिलेगा। इस रक्षाबंधन पे इस आलू की कचौड़ी को बनाइए। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि आलू की कचौड़ियाँ मैम बताइए, तो मैंने सोचा इस पर ज़रूर मैं आप सभी को बताऊंगी। बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप इस तरह से बना के खा सकते हो। इस तरह से हाथों की सहायता से प्रेस करते हुए इसे फिर से चपटा करके और इसे गोल का शेप दे दें। चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये बनकर तैयार है, बाकी का भी इसी तरह कर लेते हैं। तेल हमारा गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है, मीडियम हॉट है हमारा तेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तेल में कचौड़ियाँ डाल देते हैं। इसे हमें दो बार में फ्राई करना है, मैं आपको पहले ही बता दूँ दो बार में फ्राई करना है। तो पहले हम 50% से कम यानी कि सिर्फ हल्का सा फ्राई करके हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए बस एक मिनट के लिए इसे हमें तेल में डालना है और इसे हमें बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए हल्के से ये हो गए हैं, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं फटाफट। इसे हम फिर बाद में फ्राई करेंगे, यानी दो बार में फ्राई करना है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये कैसे दिख रहा है। तो आपको इतना फ्राई करना है। अब गैस का फ्लेम यहाँ पे हम लो रख देंगे। आप देख सकते हो तेल कितना गुनगुना है, उस समय मीडियम हॉट रखा था। और फिर से इसे फ्राई करेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसे बीच में इस तरह से उलटते पुलटते हिलाते डुलाते इस तरह से आपको फ्राई करना है। टोटल 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये कचौड़ियाँ छनकर तैयार है, बहुत ही खस्ता बनी है। मैंने इसे मीडियम हॉट पे फ्राई किया है, ही खस्ता कचौड़ियाँ बनकर तैयार है। तेल इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं दो बार में, पहले इस तरह से 50% और फिर उसके बाद 50% बाद में। तो इसे हम निकाल लेते हैं, ये देखिए इस तरह से निकालें और फिर फ्राई करें। कचौड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं और खस्ता भी दिख रही है और फुली फुली भी बनी है, तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो चलिए इसे हम तोड़ कर आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा है। चलिए अब इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं कि कितनी खस्ता और अंदर से बहुत ही क्रिस्पी है। सारे आलू चारों तरफ से इसमें स्प्रेड है, देखिए। मैंने जो सारे टिप्स आपको बताई हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आटे को अच्छी तरह से गूंथिएगा और थोड़ा गीला ही रहने दीजिएगा और इसे
दो बार में फ्राई कीजिएगा, बहुत ही खस्ता बनेगी। और इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं देख रही मैं, आपको दोनों हाथ दिखाऊंगी, आप देख सकते हो मेरे हाथ में ज़्यादा तेल नहीं लगा है। नहीं तो जनरली आप बाज़ार की कचौड़ियाँ खाती हो तो उसमें तेल दिखता है, तो ये घर की बनी हुई हेल्दी आलू की कचौड़ियाँ बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर कोई आपकी डिमांडेड रेसिपी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। मैं तो चली इसे खाने, मुझे बहुत भूख लगी है। थैंक यू।